हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो DIY शेयर करने जा रही हूँ। पहला, हमारा जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड गंदा रहता है उसे हम कैसे आसान तरीके से साफ करेंगे। दूसरा, हमारी जो गंदी और मैली सोफ़ा है उसे हम बहुत ही इजी वे में 20 मिनट के अंदर कैसे साफ करेंगे, बहुत ही इजी और सिंपल वे में। बाहर से सोफ़ा साफ़ करने के लिए हम बुलाते हैं, वो हमें दिवाली के टाइम पे बहुत चार्ज करते हैं सोफ़ा स्पा करने का। हम बहुत ही आसान तरीके से खुद से घर में सोफ़ा साफ करेंगे। इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड साफ़ करने के लिए हम टूथपेस्ट लेंगे और एक पुराना ब्रश लेंगे। टूथपेस्ट को मैंने धीरे धीरे करके पूरे स्विच बोर्ड पर फैला दिया है। और एक ख़ास बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर का जो मेन स्विच होगा उसे हम बंद कर देंगे और पैरों में रबर की चप्पल ज़रूर पहनेंगे। इस तरीके से हम टूथपेस्ट लगाने के बाद पूरा रब कर देंगे, ये सब सारी गंदगी इसमें से निकल जाएगी। फिर एक सूखे कपड़े की सहायता से हम पूरे स्विच बोर्ड को अच्छे से पोंछ देंगे, साफ़ कर देंगे। ये देखिए हमारा स्विच बोर्ड अब कितना साफ दिख रहा है, ये अब साफ हो चुका है। ये देखिए मैंने एक दूसरा स्विच बोर्ड लिया है, इस पर भी टूथपेस्ट फैला दिया है मैंने और धीरे धीरे करके इसको भी रब कर रही हूँ मैं। आसानी से धीरे धीरे सारी गंदगी इस पर से भी निकल जाएगी। फिर सूखा कपड़ा लेके इसे भी मैं पोंछ दूँगी, ये अच्छे से साफ हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल साफ हो गया है, थोड़ी बहुत गंदगी बची है वो भी साफ हो जाएगी। ये जो टूटा स्विच था मैंने उसे हाथ नहीं लगाया है, बाकी के पूरे स्विच बोर्ड को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। हमारा स्विच बोर्ड साफ हो चुका है, देखिए कितने अच्छे से साफ हो गया है ये। कितना मैला स्विच बोर्ड था, कितने अच्छे से साफ हो गया ये। घर में मिलने वाले बस टूथपेस्ट लगा के हमने साफ कर दिया है। अब हम मैले सोफे को साफ करेंगे, उसके लिए हम इस टाइप का एक ब्रश लिया है। सबसे पहले जिस कवर को हम निकाल के मशीन में धो सकते हैं उसे हम निकाल लेंगे और मशीन में धुलने के लिए डाल देंगे।
मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है, आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, इससे हम बस ऊपर का थोड़ी थोड़ी जो धूल है वो साफ कर देंगे। एक बकेट में हम गुनगुना पानी लेंगे, उसमें हम कोई भी शैम्पू डाल देंगे। फिर एक पुराने साफ तौलिए से उस तौलिए को अच्छे से गीला कर लेंगे हम इस शैम्पू के पानी में। उसे अच्छे से निचोड़ कर फिर सोफ़ा को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। एक गीले कपड़े से मैंने पूरे सोफ़े को अच्छे से साफ़ कर दिया है। उस पर जितनी धूल थी मैंने उसे अच्छे से पोंछ लिया है। मेरा सोफ़ा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये देखिए, सोफ़ा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इस पर जितनी धूल पड़ी थी वो सारी जा चुकी है और ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कीप वॉचिंग।